नरेंद्र मोदी कल जा सकते हैं सैफई, जो खबर मिल रही है नेताजी के अंतिम संस्कार में हो सकते हैं शामिल देश के प्रधानमंत्री। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जाएंगे सैफई। कल दोपहर 3 बजे सैफई में होगा अंतिम संस्कार और सैफई में कल होगा मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार को लेकर के फिलहाल एक तरफ तैयारियां कर ली गई है वहां पर, तो एक पंडाल बनाया जा रहा है सैफई में जहां पर उनके शव को रखा जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जाएंगे सैफई, सैफई में कल होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि नरेंद्र मोदी भी जाएंगे सैफई अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार के लिए फिलहाल सैफई में एक तरफ तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और मुलायम सिंह के आवास के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौबंद है। लेकिन नेताजी का जो कमी है ये हमेशा युगों युगों तक साथ रहेगी, उनकी कमी हमेशा लोगों के सहन में रहेगी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व की जब हम बात करते हैं तो उनका जो काम था, जिस किसी से भी एक बार मिलते थे, कुछ आत्मीयता से मिलते थे, हमेशा युगों युगों तक याद किए जाएंगे नेताजी। एक लंबे समय तक किस तरीके से राजनीति में संघर्ष किया और एक बड़ा राजनीतिक किस तरीके से अनुभव रहा, पार्टी को किस तरीके से कहां लाए, खड़ा किया अपनी समाजवादी विचारधारा के जरिए, और अंत्योदय तक जो उनका जो नारा था, जो समाजवाद का था कि कोई भी भूखा न रहे, और जो सबको एक समानता के अधिकार के साथ ही किस तरीके से आगे बढ़े और पार्टी में भी वही चीज बनाई रखी। तो अब निधन और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जब उनके बीमारी की खबर थी, जब वो मेदांता में एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था, कई उनको किडनी की क्रॉनिक रीनल फेल्योर किस तरीके से हुआ, उनको आईसीयू वार्ड में रखा गया, लेकिन उस वक्त भी जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक थे, अस्पताल में पहुंच रहे थे। इस बीच अखिलेश यादव को खुद अपने ऑफिशियल पेज से ट्वीट भी करना पड़ा कि अस्पताल में भीड़ ना लगाएं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नेताजी के लिए दुआ करें। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके प्रशंसक, उनके समर्थक किस तरीके से जुटे। और फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कल, सैफई में कल होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार और खबर मिल रही है कि देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच सकते हैं, रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास कुमार पुष्कल? देखिए, जिस तरह से नेताजी का निधन हुआ है, तमाम राजनेता, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, तमाम लोग शोकाकुल हैं। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके दुख जताया है, शोक व्यक्त किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हो सकता है कि वो कल सफाई जाए, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट के कई नेता सफाई जाएंगे। और खबर ये भी आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सफाई जा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह मेदांता हॉस्पिटल जाकर उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। काफी एक तरह से भाईचारा का रिश्ता था प्रधानमंत्री से, बिल्कुल एक आत्मीयता सी थी जो हर कोई शायद उन्हें अपने पास होने का एहसास कराता रहेगा युगों युगों तक। कुमार पुष्कल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो हर वो खबर नेताजी से जुड़ी, राजनीति में अपनी पहचान नेताजी के रूप से बनाने वाले मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हो गया और उनका काफिला अब से थोड़ी देर में इसी आगरा के खंदौली टोल प्लाजा से गुजरेगा, जहां बाहर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक नेता सब यहां पर जमा हैं और जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। थोड़ी देर में यहां से जब उनका काफिला गुजरेगा तो इसी यमुना एक्सप्रेस वे से होता हुआ लखनऊ एक्सप्रेस वे और वहां से सैफई पहुंचेगा। कल उनका अंतिम संस्कार होगा, पूरे देश के लोगों की लिए एक बड़ी क्षति है। राजनीति का एक सितारा जिसका अस्त हो गया और उनकी कमी हमेशा खलेगी। अंकु पांडे, आगरा, भारत समाचार। और इस वक्त सैफई रुक करेंगे जहां पर हमारे संवाददाता संजय मौजूद हैं और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हैं सैफई की, जहां पर देखिए जो उनके अपने, जो गांव के लोग हैं, जो भी इस खबर को सुन रहा है लेकिन घर पर पहुंच रहा है सांत्वना देने के लिए, क्योंकि नेताजी का जो उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी कार्यशैली भी ऐसी थी।
संजय हमारे साथ जुड़े हैं सैफई से। संजय, अब जब पैतृक शव उनका लाया जा रहा है उनके पैतृक गांव में, फिलहाल अभी आप वहां पर हैं, अभी क्या कुछ है, किस तरीके से लोग अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, जानना चाहेंगे अभी। भीड़ दिख रही है, इसके मेन ये नेताजी के घर का मुख्य द्वार है, उसी मुख्य द्वार से सीधे तौर पर काफिला अंदर पहुंचेगा। उस काफिले की एक एम्बुलेंस में नेताजी खुद हैं, उनके शव को लाया जाएगा। और मैं आपको दिखाऊं तो तस्वीरों के माध्यम से कि जिस तरीके से लोग जुटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद उस हॉल में कहाँ लेके जाया जाएगा, मैं उसको भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरे सामने आप देखिए कि तस्वीर लगाई गई है नेताजी की, और वहाँ सामने एक तख्त रखा गया है जिसपे शव को अंतिम दर्शन परिवार के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो उसकी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो काफिला है वो सीधे तौर पर होते हुए आगरा से होते हुए सीधे सैफई और यह निजी आवास पे वो पहुंचेगा। तो बस कुछ ही पल का इंतज़ार है। आप देखें कि तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एम्बुलेंस यहां पर खड़ी होगी और इस एम्बुलेंस के बाद इस स्ट्रेचर के जरिए यहां से उनको उस हॉल तक लेके जाया जाएगा। हॉल में उन्हें रखा जाएगा जिसपे रात भर यहीं पर रहेगा, और कल चूँकि 3 बजे अंत्येष्टि होनी है तो वो इंतजाम बाजार किसान बाजार पे किया गया, और किसान बाजार में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। तो आप देखिए कि तैयारियां पूरी हैं, अलर्ट हो गया है आलोक, और कुछ ही देर पल में अब वो तस्वीरें भी आने वाली हैं जिसका इंतजार यहाँ के लोग, तमाम प्रदेश से जो कार्यकर्ता आए हैं वो लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ ही पल बाद वो तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी आलोक। तौर पर समझा जा सकता है कि उनके परिजनों का कितना दर्द होगा, अपने जो बेटे हैं अखिलेश किस तरीके से अस्पताल में लगातार वहां पर लगे रहे, उनके साथ में दुआएं सबने की, मतलब कोशिश इतनी की सबने, चाहे उनके प्रशंसक हों संजय, चाहे वो समर्थक हों, अन्य जो परिजन हैं, लगातार मेदांता अस्पताल में भी उनके पहुँचने का सिलसिला जारी था। और संजय सबसे बड़ी बात तो ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से हम आपसे और भी कुछ जानकारी लेंगे। संजय आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम उस दर्द को लगातार बयां कर रहे हैं। सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को जी का ये पैतृक आवास से जहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि यहीं पर शव आएगा। और ये देखिए कि किस तरीके से लोग खबर मिलने के बाद उनके आवास पर जमा हुए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि राजकीय शोक की घोषणा जो है वो की गई है। तो इसी ग्राउंड में देखिए कार्यकर्ता जो हैं, स्थानीय लोग हैं, वो तमाम लोग आए हुए हैं। यहीं पर 4:30 से 4:45 के बीच में तकरीबन जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर आएगी और अंतिम दर्शन के लिए आज पारिवारिक लोगों के लिए रखा जाएगा। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, परिवार के लोग हैं, वो गमजदा हैं, और हालांकि मीडिया से बात तो नहीं हो पा रही है, लेकिन पूरी तरीके से सबको इंतजार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी विचार के पुरोधा मुलायम सिंह यादव, जिन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था, वो अभी यहाँ उनका जो अंतिम जो यात्रा का शव है, शव यहाँ पर पहुँचेगा और अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो कहीं ना सारे कार्यकर्ता जो हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो दुखी हैं और पूरी तरीके से इंतजार और सिर्फ इंतजार चल रहा है। डीएम और एसपी भी स्थानीय मौके पर पहुँचे हैं, तैयारियों का जो जायजा है वो लिया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्थित ढंग से सारी जो चीज़ें हैं वो हो सके, उसको लेकर के पूरी तरीके से आप देखिए कि स्थानीय लोगों में वो ये भीड़ है आपको दिख रही है, जो लोग दिख रहे हैं, यही नेताजी ने पूरे जीवन 5 दशक तक सियासत में जब तक सक्रिय रहे ये वही कमाया है, और जिसकी वजह है कि आज आपको अपार जनसमर्थन पूरे देश के बड़े नेताओं से लेकर के तमाम स्थानीय कार्यकर्ताओं तक, लोगों को जो समर्थन है, लोगों का जो प्यार है वो देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा अभी से ही लग चुका है। कैमरा सामी मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, सैफई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा नेता मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई पहुंचे हैं, जहां उनकी खबर मिलते ही आप देखिए समाजवादी पार्टी का जो झंडा है, सबसे ऊंचा झंडा यहां पर लगाया गया था, उसे पूरी तरीके से झुका दिया गया है। चूँकि जैसे ही खबर लोगों को मिली तो यहाँ पर ये झंडा हरदम यहाँ पर फहराता रहता है। तो और ये चूँकि एक बड़ा जो मेला है, इसे किसान बाजार के रूप में जाना जाता है। आप देखिए किस तरीके से लोग उमड़ पड़े हैं। अभी नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो लगातार सफ़र कर रहा है और सीधे सैफई पहुंचेगा, लेकिन लोगों को जो हुजूम है वो अभी से ही जुटना शुरू हो गया, क्योंकि इसी गांव से राजनीतिक पारी जो है नेताजी ने खेलनी शुरू की थी, और करीब 5 दशक तक पूरे
प्रदेश देश की पटल में अपने लोहा मनवाते रहे। तो आप देखिए कि किस तरीके से दाहिने हाथ पे जो ग्राउंड तैयार हो रहा है, बताया जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि यहीं पर उनका जो अंत्येष्टि होगी वो सौ यहीं पर दहन किया जाएगा। उसकी तैयारियां हैं, चूँकि बड़ा ग्राउंड इसलिए किया गया है कि गांव के ही लोग ही नहीं, बहुत पूरे प्रदेश और प्रदेश से तमाम कोने से कार्यकर्ता जो है। संजय के पास एक बार फिर चलेंगे। संजय, अब देखिए प्रदेश में किस तरीके से अब शोक की लहर है, राजकीय शोक की उत्तर प्रदेश में घोषणा की सरकार ने। बिहार सरकार की बात करें तो एक दिन का राजकीय शोक है, एक ऐसा शोक जो वाकई में जिसको कभी शायद लाया ना जा सके, क्योंकि नेताजी जो थे वो एक संघर्षशील नेता के रूप में जाने जाते थे। लोगों के दिलों में किस तरीके से जगह थी और वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस दर्द को साफ तौर पर शायद कभी ना भूलने वाला ऐसा दर्द। संजय, मैं बिल्कुल आलोक में बताऊं आपको कि सैफई के अगर बात करूं, यहाँ के माहौल की बात करूं, देश और प्रदेश में तमाम लोग जो उनके मानने वाले हैं, उनके विचारों को मानने वाले हैं, उनको सम्मान देने वाले हैं, वो तो गमजदा ही हैं और दुआ कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सैफई की अगर बात करें, सैफई में आपको एक चाय की दुकान भी खुली नहीं मिल सकती है। ये जो भीड़ है आप इनको देख रहे हैं, ये लगातार उनके साथ, जब भी नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने सैफई आवास आते थे तो यहाँ पर ऐसे ही मजबा लगता था, लोगों से मिलने के लिए लोगों से मिलते थे इसी ग्राउंड में आकर के। ये उन्हीं का पैतृक आवास है और कोठी है, यहीं पर मुलाकात करते थे। सैफई के पूरी जो दुकानें हैं पूरी तरीके से, आलोक मैं कहूं कि एक अगर माचिस की तीली भी आपको खरीदनी होगी तो दुकान आपको बंद मिलेगी, आपको दुकानें पूरी तरीके से बंद है, सड़कों में सन्नाटा है, लोग या तो अंत्येष्टि स्थल में तैयारी कर रहे हैं या तो फिर जहाँ पर अंतिम दर्शन कल रखा जाएगा उस पंडाल में लगे हुए हैं, या तो फिर उनकी कोठी जो पैतृक आवास है उस कोठी जो लोगों का जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही युवा मैं है कि नेताजी ने जिस तरीके से सैफई ही नहीं पूरे प्रदेश को और पूरे परिवार को और तमाम हजारों कार्यकर्ताओं को मजबूत किया और तमाम जो पिछड़े थे उनको मजबूत करने का काम किया, और आज जिस तरीके से खबर आई है उस खबर से लोग दुखी हैं। और यही वजह है कि सुबह से ही यहाँ पर आलोक जमावड़ा लगा हुआ है। बस ये मालूम चल रहा है कि कुछ ही पल बाद वो तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी कि जब एम्बुलेंस के जरिए नेताजी का पार्थिव शरीर इसी जो है स्थान पर आने वाला है और अलर्ट पूरी तरीके से जारी कर दिया गया, तो कुछ ही देर में अब वो जो अंतिम दर्शन के लिए पारिवारिक जनों के लिए रखा जाएगा। तो हॉल मैंने इसके पहले भी आपको दिखाया है किस तरीके से वो हॉल बनाया गया है, और उस हॉल में रखा जाएगा पूरे परिवार के लोग, जो रिश्तेदार हैं वो लोग देखेंगे, स्थानीय लोग देखेंगे, और उसके बाद कल भी पूरा दिन सुबह से लेकर के और शाम 3 बजे तक वो अंतिम दर्शन के लिए उन्हें नुमाइश मैदान पे रखा जाएगा। नुमाइश मैदान पे अंतिम दर्शन होगा, उसके बाद करीब 3:30 बजे या 3:15 के करीब उनका अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है वो उसी किसान बाजार के जो मैदान है वहाँ पर होगा। आलोक, बिल्कुल संजय अपने हमारे साथ हमारे दर्शकों को बता दें कि लगातार बने हुए और अब अपने दर्शकों को हर वो जानकारी दे रहे हैं जब उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है, अंतिम संस्कार को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और उनके आवास के पार घर पर किस तरीके से लोग जो हैं आपस पहुंच रहे हैं वहां पर जो गाँव वाले हैं और जो साथ में उनके जो प्रियजन हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, अंतिम संस्कार को लेकर के तैयारियाँ एक तरफ शुरू हो रही हैं, दूसरी तरफ पार्थिव शरीर को लेकर के क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? और बड़ी बात ये कि आज अखिलेश यादव का जो ट्वीट आ रहा है उसको पढ़ के हर किसी की मानो आंखें नम हैं कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे, अपने आप में किस तरीके से हर शख्स की मानो आंखें नम है। संजय, बिल्कुल, करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं नेताजी के साथ, और नेताजी ने चूंकि ज़मीन से उठ करके और स्कूली पार्टी का गठन किया, सामाजिक रूप से पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों और जो गरीब हैं उनको न्याय दिलाने का काम किया। आज जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से आप तक जहाँ तक आपकी नज़र जाए आपको लोग ही लोग जो है देखते नज़र आएंगे, और ये किसी एक दिन में कमाया नहीं, ये 5 दशक में उस समाज के लिए लड़ने वाले जो नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे हैं उसके लिए लोग उमड़े हैं और सुबह से ही उमड़े हैं, इंतजार चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि बस इंतजार है, और वो तस्वीर भी कभी भी किसी भी पल आ सकती है जिसका इंतजार है लोग की। आप जिधर भी आपकी नज़र जाए पूरी कोठी है, और इस कोठी में जब वो यहाँ आते थे तो लोगों से मिलते थे, लोगों से मुलाकात करते थे, तो आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। मैं बातें करने का प्रयास करता हूँ किस तरीके से
नेताजी का आज पार्थिव शरीर आ रहा है, नेताजी से जुड़ी कुछ यादें आपको याद आ रही हैं? जी हाँ, ऐसा है, नेताजी माननीय नेताजी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, किसानों के गरीबों के रहनुमा थे वो, और माननीय नेताजी से मेरा लगाव था 77-78 से, और मैं जब छोटा ही था तो 9 अक्टूबर 1989 को मेरे घर गए। मेरा नाम है राजकुमार यादव, मैं वैसे औरैया ज़िले का बादशाहपुर छोंक का रहने वाला हूँ, और माननीय नेताजी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों का सहयोग किया, और इस प्रदेश और देश में उनकी जो छाप छोड़ी गई है, आज तक ऐसा कोई नेता ना हुआ और ना भविष्य में होगा। और लोग भी हैं, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली तो डिस्ट्रिक्ट औरैया पड़ता है, वैसे सेटलमेंट में आगरा हूँ, और 83 से हम नेताजी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं 83 में जेल में गए थे, तो अभी तो कोई शासन प्रशासन का ऐसा नहीं है दूसरी सरकारों का, उस समय का जिसमें श्रीमती जी के टाइम पे तो जेलों में जगह नहीं मिली थी, तो इंटर कॉलेजों में रखा गया था। उस समय का मेरे पास अभी भी प्रमाण पत्र है कि इंटर कॉलेजों में भी जगह नहीं मिली थी जेल भरो आंदोलन का सन 83 में। माननीय नेताजी हमारे मसीहा नहीं, भगवान हम कहेंगे, एक ऊपर भगवान एक नीचे भगवान थे, लेकिन आज हम लोगों का हाथ छाया रखने वाले हाथ समेट गए हैं, लेकिन ये तो सबको जाना ही होता, लेकिन धन्य नेताजी, नेताजी जैसा कोई अभी तक नेता हुआ ना हुआ, क्या तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है, या फिर माननीय श्री नेताजी को तो नेताजी कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें आपको बयां कर रही होंगी कि ये एक दिन में नहीं कमाया जा सकता, एक छोटी सी जगह से संघर्ष करके जब आदमी निकलता है, तो आज जब उनके लिए लोगों की जो आंखें हैं नम हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि किस कदर लोग दुखी होंगे। आलोक, बिल्कुल संजय, कुछ लोगों ने किस तरीके से जब आपने लोगों से बात की वो दर्द साफ तौर पर सामने आया, और लोगों ने जो उनके साथ के थे, जब अपने समय के जिन्होंने यादें भी अपनी शेयर की, जब जेल भरो आंदोलन के दौरान जब उन्हें कहीं जगह नहीं मिली, तब किस तरीके से नेताजी ने जो थी वो जगह पर मुहैया कराई, और सुभाष चंद्र बोस को या तो नेताजी कहा जाता है और या फिर मुलायम सिंह यादव को नेताजी, वाकई में ये चीज़ें हैं, ये जो भावनाएं हैं इनको व्यक्त कर पाना इतना शायद दर्द को आसान नहीं, इस दर्द को भी झेलना। बिल्कुल आलोक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने का होता है, और ये जो मुकाम हासिल हुआ है वो नेताजी को ही हासिल हुआ है, क्योंकि नेताजी ने शुरुआत से ही संघर्ष का रास्ता अपनाया, गरीबों को अपने साथ लिया, दलितों को पिछड़ों को अपने साथ लिया, उनकी हक की लड़ाई लड़े, और यही वजह है कि आज उनके लिए लोग आंखों में आंसू ला रहे हैं। तो कारण ये है कि लोगों के न्याय के लिए संघर्ष किया, लोगों के न्याय के लिए सिस्टम से लड़े, और उस सिस्टम से लड़ने के बाद इन तमाम वर्ग के लोगों को सिस्टम पे लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो वर्ग मजबूती से पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी है काबिज है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जिस तरीके से हिस्सेदारी उन्होंने दिलवाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हेलो, बिल्कुल संजय, मैं आपके पास आऊँगा, कुछ और भी अपडेट लूँगा, अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का तरीके से निधन हुआ, एक किसान परिवार में 22 नवंबर 1939 को जन्म हुआ, और इटावा के सैफई में जन्मे थे। और इस वक्त संजय भी हमारे साथ हैं, और सैफई से हमारे संवाददाता विवेक भी हमारे साथ हैं। विवेक, जो तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अब अंतिम संस्कार को लेकर के तैयारियां हैं, और प्रदेश की राजनीति में एक 5 दशक से ज्यादा केंद्र बिंदु रहे नेताजी, अब हम सबके बीच नहीं रहे, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिले विवेक? जी बता दें, अभी तकरीबन 1 घंटे के अंदर नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ पे आ जाएगा, और उसकी बात अगर बात की जाए यहाँ पे उनके चाहने वालों के, जो चाहने वालों की धीमे धीमे तादाद बढ़ती जा रही है, और आइए अभी हम बात करवाते हैं नेताजी मुलायम सिंह के साथ के, जो बहुत ही उनके करीबी रहे हैं और साथ उनके हमेशा साथ रहे हैं, हर कदम पे उनका साथ दिया है। बात करते हैं यहाँ पे गंगापुरा के रामसेवक जी हैं, रामसेवक यादव जी से बात करते हैं कि कैसा क्या उनका नेताजी का कुछ यादें हैं?
के बारे में तमाम बातें हैं, कौन सा हो छुआछूत के सबसे ज्यादा विरोधी, छुआछूत नहीं मानते, छुआछूत का विरोध करते, देश की राजनीति में जानते हो कई बार उन्होंने ऐसे धक्के दिए जो अचंभित रह गया, जनता दल बनाया, सीपी सिंह से लगा के देवीलाल सचेत जो के नेताओं को उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने देश की राजनीति में इतना काम किया जिसके लिए प्रधानमंत्री बन गया। जैसे कि आप बहुत करीबी रहे हैं, आप नेताजी के बहुत करीब रहे हैं, तो आपको चाहते भी काफी हमें जितना चाहते थे उतना ही वो पूरी जनता को चाहते, तो बहुत ही जनप्रिय नेता अभी तक। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो नेताजी के काफी प्रिय जो है उनको साथ हमेशा रहने वाले गंगापुर के रामसेवक, जिन्होंने ये वाली बात बताई कि वो हमेशा सभी को चाहते थे, वो सही बात ये कह रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से अपने परिवार को चाहते थे उसी तरीके से जनता भी उनके लिए एक परिवार थी, जो कि वो अपने जनता के लिए हर 24 घंटे हमेशा खड़े रहते थे, और हमेशा उनकी जो छवि है जिनको कहते हैं धरती पुत्र कहते हैं, तो धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहा गया, उनको नाम दिया गया है, वो वाकई में धरती पुत्र है और वो जमीनी हकीकत जानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने खड़ा किया है वो भी एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है। आज उनके ना रहने पे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है उनके जो चाहने वाले हैं वो काफी शोक में डूबे हुए हैं, और जिसको लेकर जिन जिन को भी खबर लग रही है, और आपको बता दें अभी एक घंटे के अंदर उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे उनकी आवाज पुराने आवाज कोठी पे यहाँ पे आ जाएगा, जिसके बाद वैसे बिल्कुल विवेक विवेक आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता संजय भी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे, और उन्होंने जमीन से संघर्ष करके और इस ऊंचाई तक पहुंचे कि 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। हमेशा वो दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, वंचितों की बात करते रहते थे, उनकी मदद करने का भी काम करते रहते थे, तो एक अच्छे इंसान थे। और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, निश्चित तरीके से एक कद्दावर नेता को हमारे देश में खोने का काम किया। इस संकट की घड़ी में पहले तो उनके परिवारजनों, उनके समर्थकों को मैं संबल दे, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे संघर्षशील समाजवाद को स्थापित करने वाले, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, जो 10 बार विधानसभा में रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, 3 बार उन्होंने लोकसभा में साथ रहा है, और रक्षा मंत्री रहे हों, और पिछड़े दलितों, शोषितों और संविधान से अधिकार वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनको संघर्ष करने के लिए, लाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, उनको जाना बहुत एक दुखद समाचार है। आज जो कुछ भी हुआ है, आज माननीय मुलायम सिंह जी का निधन हुआ है, बहुत बड़ी कष्ट की बात है, लेकिन विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता, पर वो बहुत ही उदार व्यक्ति थे, और पार्टी के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक बार फिर रुख करेंगे सैफई का, जहां हमारे संवाददाता संजय भी बने हुए हैं और साथ ही साथ विवेक भी बने हुए हैं। संजय के पास रुख करेंगे। संजय, जिस तरीके से आप बस पहुंचे हुए हैं इस खबर सुनने के बाद, और एक संघर्षशील नेता और समाजवादी पार्टी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ संघर्षों से किस तरीके से तय किया और आगे बढ़े, और आज उनके निधन की खबर सुन करके हर किसी का मन व्यथित है, दुखी है। फिलहाल परिजनों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। संजय, बिल्कुल आरोप में बताऊं आपको कि सुबह से ही जैसे ही 8:16 पे एक खबर आई थी कि नेताजी का जो है देहांत हो गया, वो नहीं रहे, उसके बाद से ही लगातार उनके चाहने वालों का और उनके गांव के लोगों का, कार्यकर्ताओं का, करोड़ों लोगों का कहीं ना कहीं दुख जो है उनके ऊपर, पहाड़ों का दुख जो टूट पड़ा। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से उनके रिश्तेदार, पारिवारिक जन के जो लोग हैं दूर दराज से, वो सब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और धीरे धीरे उसी हॉल की ओर जा रहे हैं, जिस हॉल पर कुछ ही देर बाद जब पार्थिव शरीर
आएगा, उनको रखा जाएगा वहाँ पर, वो अंतिम दर्शन के लिए सुरक्षा की पंक्ति जो धीरे धीरे ले लेकर के जा रही है। और हॉल में पूरी तरीके से आपको देखो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि उस हॉल की पूरी तरह लगभग तैयारियाँ कंप्लीट कर ली गई हैं, और किसी भी वक्त चूँकि जैसे जैसे काफिला चलता जा रहा है और सैफई के करीब पहुँचता जा रहा है काफिला, तो उनके चाहे इटावा के लोग हों, अरैया के लोग हों, लोग उनका काफिले को रोक करके उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। तो सड़कों पर चल पाना काफिले को तेजी से बड़ा मुश्किल हो रहा है, और यही वजह है कि जो अभी जो वक्त लग रहा है, कई बार अलर्ट हुआ आलोक, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त है और अभी कुछ ही पल बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो तैयारियाँ लगभग सब कंप्लीट कर ली गई है, इंतजार है, लेकिन इंतजार जो सड़कों में जो लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है उससे इंतजार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो तस्वीरें भी होंगी जिसका इंतजार लोग यहाँ से सुबह से ही कर रहे हैं। चाहे सैफई की एक बात और मैं आलोक बता दूँ आपको कि यहाँ से लेकर के गलियों तक, मेन सड़कों तक लोग लगातार सन्नाटे पर हैं, और लोग सीधे तौर पर कोठी की तरफ पहुंच रहे हैं, या तो किसान बाजार जिनके कंधों पर जिम्मेदारी वहां के अंत्येष्टि स्थल को सही करने की रखी गई है, या फिर नुमाइश मैदान जहां पर उनका कल पार्थिव शरीर रखा जाएगा वहां की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो आपको सड़कों पर बहुत कम लोग मिलेंगे, जो हैं लोग सीधे तौर पर घर पहुँच रहे हैं। आप देखिए स्थानीय महिलाएँ भी किस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचती जा रही है, तो लोग किसी न किसी तरीके से पहुँच करके और अंतिम दर्शन जो नेताजी का है वो किसी तरीके से न छूटे उसको लेकर। बिल्कुल संजय, अंतिम दर्शन को लेकर के अब लोग वहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। संजय आप हमारे साथ बने रहिएगा, विवेक के पास रुक करेंगे, सैफई से हमारे साथ जुड़े। विवेक, अब अंतिम दर्शन को लेकर के विवेक बात करें तो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, एक तरफ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उसके अलावा उनके आवास के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। फिलहाल किस तरीके से लोग सांत्वना देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं? यहाँ पे सभी प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, तब भीड़ को हटाया जा रहा है, जो नेताजी का जो पार्थिव शरीर है जो यहाँ पे लाया जाएगा, यहाँ पे लेकर के यहाँ का जो रास्ता है वो रास्ता जो है उसको खाली कराया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पे लोग हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग अपना यहाँ से रास्ता खाली कर दीजिए और यहाँ पे उनका नेताजी का पार्थिव शरीर आएगा जो कि उनके आवास पे रखा जाएगा। आपको बता दें इतनी भीड़ लगी हुई है, उनके चाहने वाले, उनके बैठने वालों के एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए नेताजी की भीड़ इतनी लगी हुई है कि लोग अपने अपने घर के बाहर से, आवास के बाहर से अंदर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाहर ही वो उनका नेताजी के जो पार्थिव शरीर है उनका दर्शन करने के लिए काफी देर से अपना आतुर है। और जिस तरीके से अभी पता चला है, अभी कुछ ही देर में यहाँ पे नेताजी का पार्थिव शरीर और उनके परिवार के लोग सभी लोग यहाँ पे अभी मौजूद होंगे थोड़ी देर के अंदर। जी बिल्कुल, वहां पर इस बीच तमाम सारे जो उनके अपने समय के जो लोग थे, जो उनके अपने साथी थे, उनसे भी विवेक आपने बात की तो उनका भी दर्द साफ तौर पर चल रखता है, क्योंकि वो एक जनप्रिय, एक लोकप्रिय नेता थे, एक धरती पुत्र जिन्हें कहा जाता था, तो वो सबके लिए किस तरीके से सोचते थे। जब बात करें अंत्योदय तक व्यक्ति को जो इंसाफ मिले, उसको न्याय मिले, और कभी भी तमाम सारे लोगों का वहां पर कहना है कि जैसे तमाम सारी चीजों का उन्होंने विरोध किया, जिसके चलते लोग जो थे तमाम सारी भ्रांतियों को उन्होंने तोड़ा, तो इसीलिए वो जनप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। जी जरूर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी अभी आप, मैंने आप रामसेवक यादव थे उनसे बात कराई, हाँ हाँ, जिस तरीके से वो सबको उनको प्यार करते थे, जनता को सभी को प्यार करते थे, सबसे अच्छी बात अच्छी थी कि वो अगर किसी को एक बार देख ले, उसका नाम पूछ ले, उसके बाद दो साल बाद भी अगर वो व्यक्ति मिलता था उसको नाम से बुलाते थे, चाहे वो भीड़ में हो चाहे वो साथ अकेला आया हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से नेताजी ने हर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हमेशा नेताजी की भूमिका बहुत काफी अच्छी रही हो और सभी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे। जहाँ पे प्रदेश की बात नहीं कही जाए, अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र के जो लोग हैं, जो नेता हैं और मंत्री हैं, उनको भी काफी आहत है कि जो कि नेताजी के देहांत हो जाने के बाद उनको भी काफी धक्का लगा है कि एक इतने अच्छे पुरुष जो कि जिन्होंने अपने पार्टी को इस तरीके से खड़ा किया, पार्टी को किस ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बुलंदी तक पहुंचाया। और जी बिल्कुल विवेक, मैं आपके पास आऊंगा, संजय के पास रुक करेंगे। संजय, अब जो अभी अपडेट मिल रहा है कि वहां पर किस तरीके से जो पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है, देर हो रही क्योंकि वृंदावन कट पर रुका गया, वहां पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी, और फिलहाल आगरा खंडोली टोल से निकली नेताजी के मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर, सिपाहियों ने वहां पर फूल बरसाए। फिलहाल अभी और क्या कुछ जानकारी आपके पास है वहां पर, आप सबकी सफाई में मौजूद हैं? जी
बिल्कुल आलोक में बताऊं कि माना ये जा रहा है कि कुछ ही देर बाद पहुंचेगा। एग्जैक्ट समय नहीं क्लियर हो पा रहा है क्योंकि कार्यकर्ता लगातार जहां पर भी काफिला निकल रहा है वहां पर कार्यकर्ता पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं उनको। लेकिन आप देखिए कि स्थानीय महिलाएं पूरे गाँव की किस तरीके से उन्हें अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रही। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से सबकी आँखें आलोक जो है वो नम है और उन नम आँखों से केवल अंतिम दर्शन के लिए ये जो ये सैफई की यहाँ की गृहणियाँ हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो पहुंची हुई हैं नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम दर्शन के लिए भयंकर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए, तो बस इंतजार चल रहा है। पूरी तैयारियां स्थानीय प्रशासन ने और जो खुद उनकी सुरक्षा नेताजी की रही है वो और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की सुरक्षा ने पूरे इंतजाम कर दिए हैं। लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से खड़ा कर दिया है कि कहीं बीच में किसी को भी दिक्कत दर्शन करने में, अंतिम दर्शन करने में ना आए। लेकिन बस थोड़ा सा वक्त लग रहा है और ये वक्त लोगों का कट नहीं रहा है। आलोक जैसे जैसे अपडेट लोगों को मिल रहा है कि बस पहुंच रहे हैं, तो जो भीड़ है लोगों की जो उमड़ने की उम्मीद है वो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आलोक जी बिल्कुल, फिलहाल जो अंतिम संस्कार जिस जगह पर किया जाएगा वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन कौन से लोग फिलहाल वहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से संजय की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैफई आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से तमाम लोग वहाँ पर पहुंचेंगे अंतिम संस्कार को लेकर के। बिल्कुल, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता के तौर पर माने जाते रहे नेताजी और उनके लिए सुबह से आप देखिए गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपनी उन तमाम अनुभवों को साझा किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने साझा किया, गृहमंत्री राजनाथ सिंह हो, तमाम ऐसे बड़े और दिग्गज नेता जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए उनको और उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन अब कि अब ग्रहण जो ये सैफई वहाँ पर भी सीएम के अपडेट मिला है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे, गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने की उम्मीदें हैं कि कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, तो तमाम बड़े और कद्दावर नेता सीधे तौर पर यहां पर आएंगे और उनके अंतिम दर्शन करेंगे। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से मुझे हॉल की तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आलोक आपको कि जहां पर अंतिम दर्शन के लिए शव रखा जाएगा, जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा और पूरी तरीके से वहां पर गुलाब के फूलों से उस पूरे तख्त को जिसपे जो अंतिम दर्शन के लिए शव रखा जाएगा उसको सजाया गया है और उसके ठीक पीछे परिवार के जो जन के लोग हैं वो तैयारियां करा रहे हैं। और ये चूंकि कांच का डोर है इसीलिए इस रास्ते से धीरे से लोगों को जाया जाएगा और वहाँ से दर्शन करा करके और दूसरे रास्ते से अंतिम दर्शन के बाद लोगों को निकाला जाएगा। अंतिम दर्शन सभी को किया जाएगा, दसियों हजार से ऊपर के जो लोग हैं वो पहुँचे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग सब पूरी तरीके से उमड़ पड़े हैं अपने नेता को देखने के लिए और खास करके उस नेता को आलोक देखने के लिए कि जिस व्यक्ति ने इस गांव के नाम को पहचान दी। अक्सर तौर पर उस गांव से लोग जाने जाते हैं लेकिन इस गांव को पूरे देश और विदेश के जो पटल पर एक बड़ा नाम दिया वो मुलायम सिंह यादव ने बड़ा नाम दिया और उस कद तक लेके गए कि सैफई में एक से एक बड़ी हस्तियां उतरी, चाहे वो पॉलिटिकल हस्तियां रही हों, चाहे बॉलीवुड की हस्तियां रही हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हों, इस सैफई पर जरूर पहुँचे हैं। चूँकि ऐसे ही 5 दशक तक नेताजी ने खुद सत्ता चलाई है और प्रदेश से लेकर के अब केंद्र तक में उन्होंने लोहा मनवाया है, विपक्ष में भी रह करके सरकार को नाकोचने चबवाए हैं। तो यही वजह है कि आज जो हुजूम आपको देखने को मिल रहा है आलोक, ये सबके हिस्से में नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि संघर्ष से जो रास्ता बन के सफलता तक जाता है तो शायद उसके बाद ये तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। बिल्कुल, तभी शायद हम उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व लेकर के चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। संजय आप हमारे साथ बने रहिएगा, विवेक के पास रुख करते हैं। विवेक, जब उनके जाने के बाद क्या, उनके जाने के बाद सभी की लगभग तारीफ होती है लेकिन बात करें उनके जाने के बाद उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को लेकर के बात करें तो शायद उनके राजनीति के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। बात करें किस तरीके से एक लोकप्रिय एक जननायक के रूप में उन्हें जानते थे और तभी शायद उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था और वही धरती पुत्र आज हमसे दूर हुआ। विवेक जी बताते जरूर कि धरती पुत्र जो उनको नाम दिया गया है तो धरती पुत्र ऐसे नहीं दिया गया है। आप खुद ही अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे काफी धीरे धीरे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और ऐसा देखने में लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था जो है आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस फोर्स अपने यहाँ पे आ गया है व्यवस्था बनाने के लिए कि कहीं पे भी व्यवस्था में कोई भी इस तरह का कोई भी ऐसा ना हो कि कहीं अशांति फैले।
हर जो कार्यक्रम है वो सब सही हो जाए, नेताजी का जो पार्थिव शरीर है यहाँ से ही आएगा और जिसको लेकर के सब पुलिस जो है और प्रशासन अधिकारी है वो अपना चाक चौबंद व्यवस्था करे कि किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई दिक्कत ना हो सके। कैमरे में आपको देखा कि यहाँ पे पूरी तरीके से अपना हर तरीके से तैयार है, यहाँ पुलिस बल हर तरीके के समस्या से निपटने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और आपको बता दें यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो भीड़ है भीड़ कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है और धीमे धीमे नहीं, जितनी जल्दी नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ पे आ रहा है उससे जल्दी जल्दी यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेताजी के वो अंतिम दर्शन करने के लिए जितना बेताब है वो बहुत ही उत्सुक है कि यहाँ पे जब क्योंकि उनकी वो उन्होंने हमेशा उन्होंने नेताजी के जो है स्वास्थ्य की हमेशा कामना की और वो जल्दी सही हो जाए, हवन भी किया पूजन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऊपर वाले को मंजूर नहीं था जिस कारण आज नेताजी नहीं रहे, उनका पार्थिव शरीर जो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे लोग जो है उनके चाहने वाले हैं उनके जो चिंतक है उनको जो प्यार करते हैं तो वो लोग यहाँ पे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। जी विवेक, बिल्कुल पार्थिव शरीर अब कुछ ही देर में पहुंच सकता है, तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके से लोगों का हुजूम है, जो बड़े पैमाने पर लोग किस तरीके से वहां पर पहुंचेंगे। आप मौके पर मौजूद हैं, प्रशासनिक व्यवस्था और किसान किस तरीके की देख पा रहे हैं? यहाँ पे कमी नहीं है, यहाँ पे अधिकारी यहाँ मौजूद है, डीएम सब लोग यहाँ मौजूद है और यहाँ पे सभी को अपने अपने काम दिया जा रहा है कि जहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई जो है इस तरह का कोई माहौल ना बिगड़े कि जिससे कि अपना यहाँ पे किसी को किसी प्रकार की समस्या का सामना पड़े करना पड़े, क्योंकि सबसे ऐसा है ये सब लोग जो है सब लोग नेताजी को चाहते हैं, नेताजी को प्यार करते हैं तो उनको अंतिम दर्शन करने के लिए सब यहाँ पे भीड़ काफी उमड़ेगी, उनको देखने के लिए लोग काफी आतुर होंगे, जिसको लेकर यहाँ पे पुलिस बल जो है यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था के सभी अधिकारी यहाँ पे ट्रैफिक में मौजूद है, वो सुबह से ही इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल विवेक, मैं आपके पास फिर आऊंगा, एक बार संजय के पास एक बार फिर रुक करेंगे। संजय, चूंकि अब से जब थोड़ी देर बाद जब शव वहां पर आएगा तो वीवीआईपी मूवमेंट भी काफी बढ़ेगा और इसको देखते हुए किस तरीके से प्रशासनिक वहां पर तैयारियां हैं? बिल्कुल आलोक, मैं आपको बताऊं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब देखिए कि रास्ता खींच दिया गया है, अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही वो यहाँ पर जो शव यात्रा है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है पूरा परिवार, चूँकि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव के साथ साथ धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर साहब सहित पूरा परिवार जो उसी काफिले में साथ आ रहा है वो पहुंचने वाला है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा चूंकि बड़ी संख्या में लगातार लगता जा रहा है, तो ऐसे में अब प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल लगा करके लोगों को रोक दिया है, बैरिकेड कर दिया है, क्योंकि चूंकि मुख्य गेट से ही जो काफिला है वो सीधे पहुंचेगा और जहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं इस जगह पे एम्बुलेंस आएगा और ठीक यहीं से सीधे उस हॉल की तरफ पूरे एम्बुलेंस को ले जाया जाएगा। तो प्रशासन पूरी तरीके से, जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, सुरक्षा के पंक्ति से जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है, तो बस कुछ ही पलों के बाद ये तस्वीरें आपको नजर आने वाली है। आलोक, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को भी लगातार बता रहे हैं कि संजय हमारे साथ बने हुए हैं, संजय आप हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो अंतिम संस्कार को लेकर के अब तैयारियां शुरू हो गई। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे साथ मौजूद, हम सर से बात करेंगे। सर, आज मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, क्या कहेंगे? आज देश और उत्तर प्रदेश ने राजनीति में एक बहुत बड़ा राजनेता खोया है मुलायम सिंह जी के निधन से। राजनीति में बड़ी शून्यता आई है। मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करते थे, जमीनी उनकी पकड़ थी, इसीलिए धरती पुत्र कहलाए जाते थे। मुलायम सिंह संघर्षों के पर्याय थे और अपने संघर्ष के बलबूते पर शैफई गांव के एक सामान्य घर में पैदा होने वाले मुलायम सिंह यादव जी ने नित्य पत्र राजनीति की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसे कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में 3-3 बार मुख्यमंत्री, कई बार नेता विरोधी दल, कई बार सांसद,
और यहाँ तक कि केंद्र सरकार में भी रक्षा मंत्री के रूप में देश के प्रति किए गई उनकी सेवा हमेशा लोगों के मन मस्तिष्क पर रहेगी। और हमें भी मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम करने का सुअवसर मिला। 80 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति में आने के बाद उनके नेतृत्व में मैं युवा लोगों का प्रदेश महासचिव बना। अब जब श्री मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके साथ भी मुझे प्रदेश महामंत्री बनने का मौका मिला। ऐसा भी मौका आया जब मुलायम सिंह यादव जी सत्ता में थे तो विपक्ष में भी रह करके हमें उनसे जवाब सवाल करने का मौका मिला। कैमरा संपर्क सतनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। जी विधायिका जी, कितनी बड़ी क्षति है जिस तरीके से आज मुलायम सिंह नहीं रहे।